खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब का सियासी बाजार गर्म है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद शांत बैठे सिद्धू को लेकर अचानक अटकलबाजियों व चर्चाओं से राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। उनके भाजपा में शामिल होने की तैयारियों की खबरों से सियासी गलियारा पटा पड़ा है। आखिर क्यों कयासों के बाजार को मिल रही है सियासी गर्माहट, देखिए इस रिपोर्ट में। नवजोत सिंह सिद्धू पिछले करीब 6 माह से अपने अमृतसर स्थित घर तक ही सीमित हैं। अब इन कयासबाजियों से वे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। कयासबाजी चल रही है कि नवजोत सिद्धू ने अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि इस कथित मीटिंग की न तो भाजपा ने पुष्टि की और न ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना रुख साफ किया। इस मीटिंग में सुखबीर बादल के भी होने की भी चर्चाएं चल रही है। शिरोमणी अकाली दल के नेताओं ने इसे अफवाह बताया है। पार्टी के एक सीनियर नेता ने बताया कि ये केवल उसी सूरत में हो सकता है जब भाजपा ये तय कर ले कि वह शिया के साथ अब आगे और नहीं चलेगी। कहा जाता है कि सिद्धू और सुखबीर बादल के बीच 36 का आंकड़ा है। सिद्धू के भाजपा छोड़ने का बड़ा कारण भी यही रहा है। पंजाब में 117 सीटों पर शिरोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन है। इसमें से भारतीय जनता पार्टी मात्र 23 सीटों पर चुनाव लड़ती है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा ने अकाली दल पर ज्यादा सीटें लेने को लेकर दबाव बनाया हुआ है। पार्टी की राज्य इकाई भी चाहती है कि भाजपा अब शिया से अलग होकर चुनाव में उतरे और हरियाणा व महाराष्ट्र की तरह अपने तौर पर राज्य में सरकार बनाए। बताया जाता है कि पार्टी को एक ऐसे जट सिख चेहरे की तलाश है जो पार्टी की राज्य में अगुवाई कर सके। पार्टी के पास सिद्धू ऐसा ही चेहरा थे, लेकिन उनके अकाली दल के नेता सुखबीर बादल व विक्रम मजीठिया से ना बनने के कारण वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। परिणाम ये हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 77 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की देश भर में हार के कारण नवजोत सिद्धू की स्थिति और भी कमजोर हो गई। बठिंडा में हार का ठीकरा भी उनके सिर फूटा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे स्थानीय निकाय जैसा विभाग लेकर बिजली विभाग दे दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वे मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने घर बैठ गए। सिद्धू ने पिछले 6 महीने से किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं की है। बीच बीच में उनकी आरएसएस के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की खबरें आती रही हैं। अब अमित शाह से मुलाकात के बाद देखना अहम होगा कि क्या सिद्धू वाकई में फिर से भाजपा में वापसी करेंगे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।